हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ नए हो तो मेरा नाम है महिमा सिंह एंड आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। सो गाइस, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ लहंगाज। यस, सो गाइस, यू नो फेस्टिवल सीज़न एंड वेडिंग सीज़न आने वाला है एंड उसके लिए हमें चाहिए होता है मज़ेदार सा एथनिक, स्पेशली और नवरात्रि, दिवाली एंड जो वेडिंग सीजन में छोटे छोटे फंक्शन होते हैं लाइक हल्दी, मेहंदी, संगीत, तो उनमें मुझे लहंगे बहुत पसंद है एंड आई लव लहंगास। वेल गाइज, इस जो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 5 लहंगा दिखाऊंगी एंड ये सारे ना अलग अलग लहंगे होंगे, लाइक एक जैसे से मटेरियल नहीं होंगे, एक जैसा सा लुक नहीं होगा, तो सब अलग अलग होंगे। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको कोई भी लहंगा अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कमेंट एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा लहंगा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज, बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, ये होने वाले हैं वो 5 लहंगे जिनकी मैं आपसे बात कर रही हूँ इतनी देर से एंड गाइज, यू नो मैंने एक भी पैकेट खोला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब मैं कुछ भी ऐसा मंगवाती हूँ और पहले ही खोल के देख लेती तो मेरा जो रियल रिएक्शन है ना, वो लोग आप मिस कर देते हो या मैं मिस कर देती हूँ आपको दिखाना कि ये कितना सही था। सो अब मैं 1 by 1 इन सारे पैकेट्स को खोलूंगी आप लोगों के सामने एंड हम लोग रिव्यू करेंगे, देखेंगे इनका फैब्रिक कैसा आया है। सो गाइज, आर यू रेडी? तो पहला पैकेट खोल लेते हैं। सो गाइज, ये वाला लहंगा है ये वाला। ओके, एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा है। सो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है दुपट्टा लहंगा। Where is blouse? Okay, inside is a blouse. Guys, see the lehenga. Guys, इसका मैं प्राइस बताऊंगी ना, शॉक हो जाओगे आप। जस्ट सी द लहंगा फर्स्ट, इसकी काफ़ी अच्छी फ्लेयर आई है। सी, अगर आप देख पा रहे हो तो ओके, ये आया है लहंगा। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ वीडियो डाल देती हूँ, ये देखो पूरा आपको ऐसे दिख जाएगा कि कैसा लग रहा है। ये आया है ब्लाउज। ओके, ये वाला इस टाइप का ब्लाउज है, प्रिंटेड। ये ना गाइस कॉटन का ब्लाउज नहीं है, कॉटन में मिक्स कपड़ा है ये। सो ये इस टाइप का है एंड ये प्रिंटेड है। सो आप इससे कैसा भी ब्लाउज बनवा सकते हो एंड इसका घेर काफ़ी अच्छा है। इसमें नीचे ये इस टाइप का बॉर्डर दिया गया है। सी, इसके अंदर लाइनिंग भी दी गई है अंदर से, आप अंदर से भी देख सकते हो। ये मस्टर्ड येलो कलर का कपड़ा लगाया गया है एंड स्टिचिंग अमेजिंग है। मतलब अगर आप लहंगे की स्टिचिंग भी कराओगे ना, वो भी 1000 तक की होती है एंड ये बिलो 700 आया था। एग्जैक्ट प्राइस आप स्क्रीन पे देख लो। बिलो 700 के अकॉर्डिंग मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। दुपट्टा देख लेते हैं। तो इस लहंगे के साथ दुपट्टा आया है मैरून कलर का, क्योंकि इसके ना यहाँ नीचे मैरून कलर का काम दिया गया है। सो ये आया है मैरून कलर का दुपट्टा गाइस एंड ये बहुत प्यारा है। एंड गाइस, यू नो मैं ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ ये सनलाइट में कर रही हूँ, सामने से सनलाइट पड़ रही है तो आपको ये रियल कलर ही दिख रहा है। ओके, सी कितना प्यारा है, कितनी प्यारा प्रिंट है इसका। एंड गाइस, ये पूरा ना पूरा दुपट्टा है, मतलब 2.5 meter का है ये एंड काफ़ी चौड़ा दुपट्टा है, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है एंड काफ़ी प्यारा लग रहा है यार ये। गाइज, इसमें ना काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, मुझे मैंने लिया है मस्टर्ड। अगर आपको कोई और कलर भी लेना है तो आप ले सकते हैं। ये नवरात्रि के लिए, डांडिया नाइट के लिए, दिवाली के लिए बहुत अच्छा लहंगा है। इवन आप अपने दोस्त की हल्दी मेहंदी संगीत किसी में भी पहन सकते हो। एंड गाइज, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये वाला लहंगा देखने के बाद और 4 कैसे निकलने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्राइस ये मस्ट बाय है, इसको ज़रूर ले लेना, बहुत अमेजिंग लहंगा है, आई लव इट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट लहंगे पे। सो गाइज, वो वाला जो लहंगा था वो था थोड़ा सा कॉटन टाइप में एंड ये है जो बनारसी टाइप कपड़ा होता है ना वो वाला। सीधा लहंगा गाइज, ये डांडिया नाइट में पहन लिया ना तो आप ही दिखने वाले हो। सी, इसका घेर इज गुड,
ये ना फैब्रिक वैसा वाला है जो बनारसी का होता है ना वैसा, ये प्रिंट नहीं है एंड अंदर इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है सो दैट ये चुभेगा नहीं। स्टिचिंग बहुत अच्छी की गई है, सफाई से की गई है, बहुत प्यारा लग रहा है यार गाइज ये लहंगा भी। यहाँ वीडियो में आप देख लो, मैं वीडियो डाल देती हूँ, कितना सही लग रहा है यार। एंड इसमें भी प्रॉपर बेल्ट लगाई गई है। ओके इसमें भी अगर आप अपने साइड में बड़ी सी लटकन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ये बहुत प्यारी लगेगी लटकन गाइज। इसमें ना सिला हुआ ब्लाउज है एंड इसके ब्लाउज पे ना ये रियल मिरर लगे हुए हैं गाइज। इसका ना कपड़ा इस टाइप का है, मेरे को नहीं पता है कौन सा कपड़ा होता है, आप एक बार देख लो। एंड ये आया है सॉरी ये आया है दुपट्टा, वाह। एंड ये भी प्रिंट नहीं है, ये भी बनारसी टाइप काइंड ऑफ पैटर्न है। ओके से अंदर से ये धागे धागे टाइप वाला होता है ना, ये वैसा है। ये तो इवन अंडर 500 था और एग्जैक्ट प्राइस जस्ट सी हियर एंड इस प्राइस में लहंगे, ये लोग स्टिचिंग भी नहीं ले रहे आई गेस। द बेस्ट पार्ट इसमें ब्लाउज भी स्टिच आया है। इस लहंगे की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ले सकते हैं, तैयारी कर दो फेस्टिवल सीजन की और वेडिंग सीजन की। अब ये है तीसरा लहंगा, लेट्स ओपन दिस, आई एम सो एक्साइटेड गाइज। ये जॉर्जेट का है। ओके ये है लहंगा, सी ये है प्रिंट एंड ये जॉर्जेट पे है प्रिंट। ओके सो इसमें भी बेल्ट बनाई गई है, आराम से आप लटकन वगैरह लगा सकते हो एंड घेर काफ़ी अच्छा है एंड अंदर भी इसमें लाइनिंग दी गई है, प्रॉपर यू नो स्टिचिंग प्रॉपर की गई है सारे लहंगों की, मतलब अभी तक जो मैंने जितने देखे। सो ये है लहंगा गाइस, वाओ। यहाँ वीडियो में डाल दूंगी, आप देख लेना कितना प्यारा लग रहा है ये, गॉड। आई टोल्ड यू जॉर्जेट का है एंड जॉर्जेट की ही दुपट्टा है एंड ब्लाउज है। ये है गाइस ब्लाउज एंड ब्लाउज के साथ इन्होंने लाइनिंग भी दी है, क्योंकि ये अनस्टिच ब्लाउज है, आपको सिलवाना पड़ेगा एंड साथ में लाइनिंग भी दी है सो दैट आपको बाहर से बाय ना करनी पड़े। एंड सी इतना बड़ा कपड़ा दिया है आपको ब्लाउज के लिए, आराम से ब्लाउज बन जाएगा। ओके पे इन्होंने इस टाइप की ये लेस भी दी है सो दैट जो ये वाली टाइप इसी टाइप की लेस लहंगे पे लगी हुई है एंड दुपट्टे पे, सो आप अपने ब्लाउज पे भी डिज़ाइन करा सकते हो इसी लेस को। पूरे पे दी गई है, यहाँ तक 1 मीटर है ये पूरी। दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टा है ये काफ़ी चौड़ा दुपट्टा है, ऑलमोस्ट 2 मीटर का है। प्राइस इज अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है, देख लो आप यहाँ पे एंड इसके अकॉर्डिंग ही बहुत अच्छा है। सो गाइज आप जब इसको स्टाइल करोगे अच्छे से ज्वेलरी के साथ करना एंड डिज़ाइनर सब ब्लाउज सिलवाना ही बहुत अच्छा लगने वाला है गाइज। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट लहंगा पे। सो गाइज इनमें से अगर आपने कोई भी एक लहंगा ट्राई कर लिया फेस्टिवल पे तो आप शो स्टॉपर बनने वाले हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से स्टाइल करना पड़ेगा, अच्छे से ब्लाउज स्टिच कराना पड़ेगा, दैट्स ऑल। सो इसमें नोट भी आया, थैंक यू नोट। ये है ग्रीन कलर का गाइज, मेहंदी स्पेशल कह सकते हैं आप लोग। लेट्स टॉक अबाउट द लहंगा फर्स्ट। ओके गाइज ये ऑलरेडी स्टिच आया है, ये ओपन नहीं आया है, ये है ऑलरेडी स्टिच लहंगा, आप देख सकते हो। नाइस, दिस इज सो गुड, घेर इज ऑल्सो गुड, घेर भी बहुत अच्छा है इस लहंगे का एंड इसका जो कपड़ा है ये भी बनारसी टाइप है, सी बनारसी ही है ये एंड इसके अंदर भी लाइनिंग लगी हुई है, वाह यार सो गुड। इसके साथ सेम ऐसा ही ब्लाउज आया है एंड ब्लाउज अनस्टिच आया है, सो आपको अपने अकॉर्डिंग स्टिच कराना पड़ेगा। एंड गाइज यू नो आप इसको पूरी बाजू को अभी रख सकते हो, इसमें काफ़ी सारा कपड़ा आया है, काफ़ी कपड़ा है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में ठंड के लिए पूरी बाजू का भी सिलवा सकते हो आप, काफ़ी अच्छा कपड़ा है। ऐसे पीछे से ही कुछ ऐसा है जैसे बनारसी टाइप होता है ना वैसा ही है एंड ये आया है इसका येलो दुपट्टा एंड दुपट्टे का कलर बहुत प्यारा है, वाह। थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे एज कंपेरिज जितने भी दुपट्टे मैंने दिखाए हैं लहंगे के साथ, बट स्टिल नाइस।
येलो कलर का, इस पर इस टाइप का डिज़ाइन है एंड ये पीछे से कुछ ऐसा है। एंड गाइज ये 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। एंड ये लहंगा भी अमेजिंग है। सो आप यहाँ देख लो, ये ऐसा लग रहा है पहनने के, मतलब ट्राई करके। ये मैंने ऐसे ही जस्ट इसको ट्राई किया है। सो आपको इसको अच्छे से स्टाइल करना पड़ेगा, इसके साथ का ब्लाउज अच्छे से स्टिच करना पड़ेगा, देन आप पहनना। सो गाइज इसका भी प्राइस आप यहाँ देख लो, अनबिलीवेबल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट लहंगा पे। सो गाइज फोटो में आपको देख के पता चल गया होगा, ये है फ्लोरल। मुझे फ्लोरल लहंगे, फ्लोरल ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, इवन मुझको सूट होती हैं। सो मैंने सोचा एक लहंगा भी मंगाया जाए फ्लोरल। एंड इस लहंगे से मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बट आई डोंट नो ये कैसा होगा। सो पैकेट आया है इस टाइप का। ओके सो ये है लहंगा। वाओ, जस्ट वाओ, जस्ट सी द लहंगा, जस्ट सी द फ्लेयर, परफेक्ट। ये वाले लहंगे का कपड़ा वैसा ही है जैसा मैंने फर्स्ट लहंगा दिखाया था, लाइक कॉटन के जैसा है, बट कॉटन मिक्स कॉटन है। एंड इसका प्रिंट जबरदस्त है गाइज, सी द प्रिंट, सो गुड। एंड इसमें भी नीचे ये दिया गया है बॉर्डर मैरून कलर का, यू कैन सी, बहुत ही सही है गाइज, ये भी वाओ। गाइज इसके साथ ये वाला ब्लाउज आया है। सो आपको स्टिच कराना पड़ेगा, अनस्टिच है एंड कपड़ा काफ़ी सारा दिया गया, सो आराम से स्टिच हो जाएगा। एंड इसमें भी आपको लाइक बेल्ट बना के दी है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना आपने। अगर आपको फिर से कुछ हैवी सा लटकन लगानी है अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। ये आया है दुपट्टा, सी है गाइज, कितना सही लग रहा है। सो गाइज इसका ये जो दुपट्टा आया है ये भी प्रिंटेड आया है एंड काफ़ी बड़ा दुपट्टा है यार ये, सी जिस जैसे लहंगे के साथ होने चाहिए ना गाइज, इनमें वैसे ही दुपट्टे दिए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े चौड़े चौड़े, जिससे कि आप इजीली अपने लहंगे पे उसको ले पाओ। ये इस पर इस टाइप का प्रिंट है, ये हाँ ये बीच में प्रिंट है एंड या ये भी प्रिंट है, थोड़ा शाइन वाला प्रिंट है। एंड यहाँ पे ये वोक दिया गया है एंड ये लेस लगाई गई है एंड जो सी, एंड यहाँ पे छोटी छोटी सी टैसल लगाई गई हैं चारों तरफ कोनों पे। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, इवन सारे लहंगों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, आप ज़रूर ट्राई करना। ये सारे अमेजिंग है अकॉर्डिंग टू प्राइस, अमेजिंग। सो ये सारे लहंगे बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट हैं। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या मेरा लहंगा हॉल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नाउ, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मैं जल्दी ही आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, स्टे एथनिक एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।